टाइम नहीं लगता। एक शेयर पे आपको 750 लगा है। एवरीवन जो लास्ट बैच वाले थे, एमआरएफ का शेयर का कॉस्ट समझ के चलो 130,000 अभी के लिए है। तो मैम का ब्रोकरेज कितना हुआ? योगित सर, किरण मैम, सुप्रिया मैम, नयन मैम, 111,000 में लिया था तब का ब्रोकरेज है। तब का ब्रोकरेज है 111,000, तो कितना हुआ 100 रुपीज पे गेस करो। 750 उन्हें चार्ज लगा है। पिछले हफ्ते हमने सीखा है सुजाता मैम, डिलीवरी में ब्रोकरेज कितना लगता है? कोई आइडिया? 21 से 350। एग्जैक्टली, परफेक्ट सुजाता मैम। नयन मैम आप क्या बोल रहे थे? म्हणजे 20 रुपये पर ट्रेड लागतं ना? नाही नाही, आपण इक्विटी साठी किती घेतलेलं आहे बघा ना। सिम्पल म्हणून मी तुम्हाला एक एक कॅल्क्युलेशन दिलेत। 1 लाख रुपीज पे 50 रुपीज, 1 लाख रुपीज पे 500 रुपीज। जो डिलीवरी में हमने ब्रोकरेज लिया था वो कितना था? 1 लाख रुपीज पे 500 रुपीज। तो 111,000 का स्टॉक है एक शेयर एमआरएफ का, तो उसके ऊपर उनको 750 लगा है, तो 1 लाख के ऊपर 500 रुपीज लगेगा। प्लस टैक्सेस तो आ गए, इसमें इंक्लूड हो गए स्वच्छ भारत टैक्स, स्टैम्प ड्यूटीज टैक्स, ट्रांजेक्शन टैक्स, मतलब ये सारे ट्रांजेक्शन मिलके उनको 750। तो यस खुशबू मैम, आपका जो ब्रोकरेज है वो मिनिमम ब्रोकरेज है 100 रुपीज पे 50 पैसा। ठीक है, दो ब्रोकरेज होते हैं, 100 रुपीज पे 5 पैसा, 100 रुपीज पे 50 पैसा। जैसे कि अभी माय सेल करते हैं तभी भी ब्रोकरेज लगता है? यस मैम, सेल करोगे तभी भी ब्रोकरेज लगेगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदोगे और आप बेचने जाओगे तो आपको ब्रोकरेज तो देना पड़ेगा ना, मतलब अगर आप ब्रोकर के थ्रू करते हो। खुद करोगे तो ब्रोकरेज बचता है। तो ऐसे हम लोग डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंस अभी देखने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में ब्रोकर आपको मस्ट है। म्यूचुअल फंड कर लो, आईपीओ कर लो, जो भी करना है ब्रोकर के थ्रू ही करना है। सो यस, आई थिंक परमार मैम आपका ब्रोकरेज थोड़ा ज्यादा होगा या कम होगा, जो ट्रेडिंग आपने मुझे बोला है उसमें या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। मैंने अभी तक उसमें कोई ट्रेडिंग किया ही नहीं, मैंने जस्ट अकाउंट ओपन किया है। नहीं, आपने मुझे जब हमारी फोन पे बात हुई ना, जिस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो वो मैं नाम नहीं लूंगी, बस मैं यही पूछ रही हूँ कि वहां पे ब्रोकरेज या तो ज्यादा होगा या कम होगा। मेरे हिसाब से वहां पे थोड़ा ज्यादा होता है ना? थोड़ा ज्यादा 3%, मतलब आपका 1.5 रुपया लेगा वो अगर डिलीवरी में है, और 15 पैसा लेगा वो सारा। तो फ्यूचर, हाँ फ्यूचर में, मतलब जहां पे हम लोग 5 पैसा दे रहे हैं आप 15 पैसा दे रहे हो, राइट? हाँ, ऐसे इसी मल्टीप्लिकेशन में होगा। उतना मुझे आइडिया है कि वहां पे ब्रोकरेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। एनीवेज, ओके डन। सो डीमैट अकाउंट और ब्रोकरेज आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि आप सबका डीमैट अकाउंट है। अब आप लोग मुझे बताओ, आप एनएससी में करते हो या बीएससी में करते हो? एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, गुड। सो एनएससी में ट्रेड करना क्यों अच्छा होता है, लास्ट वीक के बैच वाले लोग मुझे बता सकते हैं। मैंने इसका बहुत प्रॉपर रीजन और एक टेक्निक भी सिखाई है क्यों एनएससी में ट्रेड करना चाहिए। वीडियो के अंदर भी सब ब्लैंक दिख रहे हैं मुझे। ओके, और एक रीजन दिया था सुजाता मैम, नयन मैम, सुप्रिया मैम, लेडीज फर्स्ट, लखन सर, एनएससी में वॉलिटिलिटी ज्यादा रहेगी, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा क्योंकि एनएससी में फ्यूचर होता है। सो एनएससी ऑलवेज गुड। अब आप लोग मुझे बताओ सेंसेक्स और निफ्टी क्यों बढ़ती है? नए स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट, जो भी,
मुझे तो सभी नए लग रहे हैं आज. एनएससी सेंसेक्स क्यों बढ़ता है, निफ्टी क्यों बढ़ती है? Yes, स्टॉक वाढल्यानंतर. पण पर्टिक्युलर कुठले स्टॉक नाही मॅम. गुड गुड ट्राय. ओके, बीएससी में टॉप 30, ठीक है, एनएससी में टॉप 50, और इनका एवरेज कब निकाला जाएगा? पर 3 सेकेंड में एवरेज निकाला जाएगा और सेंसेक्स निफ्टी बढ़ेगा. अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, अभी जो नए लोग हैं, कल अगर आपको ट्रेड करना है, समझ लीजिए प्रवीण सर ने बोला कि वो निफ्टी में करते हैं, खुशबू मैम इक्विटी में ट्रेड करते हैं, परमार मैम भी फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, यतीन सर भी ट्रेड करते हैं, तो आप लोग जब ट्रेड करते हो तो कल के लिए आप आज अगर स्टडी करना है तो क्या क्या करते हो, मतलब कौन सी चीजें आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो? मैम ऐसे मैंने तो वॉच लिस्ट में थोड़े बहुत जैसे शेयर्स हम डाल लेते हैं ना, तो उसका मनी कंट्रोल में न्यूज रीड करते रहते हैं. ओके, परफेक्ट परफेक्ट. जैसे वेल्थ जनरेट होता है उस हिसाब से वो ले लेते हैं. राइट, मतलब कितना परसेंट वो अब जा रहा है या वैसे देख लेते हैं थोड़ा, या अगर वो थोड़ा डाउन आए तो हमें लेना है. ओके, ग्रेट ग्रेट. यस, ऑप्शंस में जब आप परमार मैम खरीदी करते हो तो क्या देख के खरीदारी करते हो? मैं ऑप्शंस करती नहीं हूँ. ओके, तो मैंने खाली सुना है बेसिक, मतलब लाइंस वगैरह यूट्यूब में. फ्यूचर्स में करती. ओके, फ्यूचर्स में करना है तो कुछ बिफोर ट्रेड आप स्टडी कर लेते हो, या फिर जैसे आपने परसों मुझे बोला कि शीतल तेरे कॉल पे मैंने ट्रेड कर लिया था, वैसे ही कर लेते हो? हाँ, बस वैसे ही करती हूँ मैं. हाँ. ओके, मतलब आप वैसे ही करते, बिफोर स्टडी नहीं करते हो, आप बस खरीद लेते हो? नहीं. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट. नयन मैम, रिलायन्स मध्ये किती प्रॉफिट झाला ऑप्शन्स केलेलं, राईट? प्रोग्रेस की मनी मॅग्नेट स्ट्रॅटेजी की फक्त ऑप्शन्स युज केलं? मनी मॅग्नेट स्ट्रॅटेजी मॅम. ओके, ग्रेट ग्रेट. किती प्रॉफिट झाला? 2000 रुपये झाला मॅम. ओके, पहिला 2000, आज 1000. वाव, ग्रेट ग्रेट. म्हणजे ऑलमोस्ट 5000 घरात गेलात. यस यस मॅम. आता सिंपल, अभी सिंपल आपको एक काम करना है नयन मॅम, आपको जाके मेल चेक करने है. जो भी आपको 2800 का प्रॉफिट हुआ ना, उसमें से आपका ब्रोकरेज कितना गया और प्योरली आपके घर में कितना प्रॉफिट आया ना, ये आपको मेल, आपको जो भी ट्रेड करते है ना मेल आ जाएगा. उस मेल में ना आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी. फिर हमें पता चलेगा कि कल के डेट में हमें प्रॉफिट बुक करना है. अगर समझ लो 2800 का प्रॉफिट हुआ है और उसमें से गिन के आपके घर में 1500 रुपए आए, तो आपका ब्रोकरेज कितना गया? ऑलमोस्ट 1300 रुपीज गया है. तो वो आपको कैलकुलेट करना है. मतलब हम लोग प्रॉफिट का जो लेंथ है, रेशियो है, वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे एज पर योर ब्रोकरेज. ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा. आप कितना भी बार्गिन कर लो, मैक्स टू मैक्स कम होगा, बट ब्रोकरेज आपको देना ही पड़ेगा. कोई भी बिना ब्रोकरेज का आपका ट्रेड नहीं करेगा. सुजाता मैम, आईसीआईसीआई प्रॉफिट बुक और नॉट येट? प्रॉफिट बुक केला आईसीआईसीआई बँकेचा? सुजाता मॅम, माइक म्यूट है तुमचा. बाकी किसी ने ट्रेड ही नहीं किया है ना, सिर्फ नयन मैम एंड सुजाता मैम ने ट्रेड किया है. किरण मैम, कब ट्रेड करना है? यतीन सर, ऑन पेपर प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया फिर सबने? मैं आज मैंने थोड़ा निफ्टी पे किया था, मैंने ऑप्शंस पे, तो उस पे आज मैंने अराउंड 500 मैंने निकाल दिया था. ग्रेट, नॉट बैड. 500 इज इनफ प्रॉफिट. मतलब इन्वेस्टमेंट कितना था? एक लॉट कुछ 4000 का था. मैं सब चार पॉइंट रिमेम्बर नहीं हूँ. मैं एकदम, मतलब आई टुडे एक्चुअली मैंने पूरा इंडिकेटर पे काम किया और कुछ ऐसा कुछ लॉजिकली कुछ किया नहीं. लॉजिकली कुछ किया नहीं है.
ऑप्शन में काम किया होगा तो आपका ब्रोकरेज मैक्स टू मैक्स सभी होगा, मतलब पर लॉट भी होगा तो भी 200-250 रुपए जाएगा। हाँ, वो एक बार चेक कर लीजिए। इसीलिए मैंने बोला कि आप लोग ब्रोकरेज चेक करो, आप ट्रेड करना आप सीख गए। जैसे नयन मैम परफेक्ट हो गए मनी मैग्नेट स्ट्रेटेजी में, अभी मैं उनको मतलब तीन ट्रेड हो गए ना, और तीनों ट्रेड में उन्होंने परफेक्टली प्रॉफिट बुक करना सीख लिया ना, तो मनी मैग्नेट स्ट्रेटेजी में उनका कमांड अभी आना शुरू हो गया, तो वो लॉस नहीं करेगी अभी मार्केट में कभी गलती से भी। बट अभी उनका नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि ब्रोकरेज कितना लगेगा, वो भी जरूरी रहेगा। सो डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज़पेपर आप लोग कौन सा पढ़ते हो, जो नए लोग हैं स्पेशली न्यूज़पेपर कौन से पढ़ते हो? मैं भी नहीं पढ़ती हूँ मैम। वाह, ग्रेट। तो न्यूज कैसे निकालोगे, ऐप कौन कौन से आप लोगों के पास में? मनी कंट्रोल और वेंचुरा है। मनी कंट्रोल और वेंचुरा, ओके ग्रेट डन।